नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज जिस प्रोडक्ट की हम बात करने जा रहे हैं वो है ओप्पो का स्मार्ट वॉच, और ये है 46 mm का, यानी कि हायर वेरिएंट है। इसमें हमें मिलेगा डुअल कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले। और अगर इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी बात करें, तो अगर आपको ये प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं मिल रहा है तो आप अपने नज़दीकी रिटेलर के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको वहाँ भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर हम बात करें इस वॉच के बारे में, तो आपको मैं थोड़ा बता दूं इसके बैक के बारे में कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था ये लॉन्च होने के पहले ही, क्योंकि ये आई थिंक पहला स्मार्ट वॉच है जो कि कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है। और काफ़ी कड़ी टक्कर ये दूसरे ब्रांड्स के लिए भी लेकर के आया है मार्केट में, सैमसंग हो या हमारा एप्पल हो, लेकिन ओप्पो कंपनी है तो क्या है अंदर में वो अब हम देखेंगे। इसका अगर हम बैच प्राइस की बात करें, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो MRP इसका है 24,990, और मार्केट में ये लगभग आपको 20,000 रुपये यानी कि 19,990 में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। और अगर इसके बारे में मैं आपको कुछ कुछ बताऊं, तो इसके फीचर्स के बारे में अगर डब्बे पे देखूं तो इधर उधर कुछ भी वैसा कुछ ब्रीफ नहीं दिया गया है इसके ऊपर में। बट अगर मैं थोड़ा बहुत आपको स्क्रीन से अगर देख के बताऊं, तो इसमें डुअल एज कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले आता है। 15 मिनट में ये डिवाइस पूरे दिन के लिए चार्ज हो जाता है, और 2 वीक्स बैटरी लाइफ है इसका। डुअल 2 वीक्स बैटरी लाइफ है अगर आप इसको एक नॉर्मल यूज़ करते हैं। वैसे अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे लगभग 2 दिन के आसपास इसका जो बैकअप है वो मिल जाता है, कॉल फंक्शन आता है। लेकिन हाँ, एक बात आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में जो वेरियंट आता है इस वॉच का, वो वाईफाई मॉडल आता है। यहाँ पे सेम वर्जन नहीं लॉन्च किया है कंपनी ने, ग्लोबल वेरिएंट में आता है सेम वाला मॉडल। बट आई थिंक वाईफाई भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, आप इससे भी काफ़ी अच्छे से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और बेसिक अगर मैं बात करूँ आपसे, तो इसमें और कुछ विशेष जो है वो हम इस डब्बे को खोलने के बाद ही देखेंगे। तो अब हम इस डब्बे को करने जा रहे हैं अनबॉक्स, और देखते हैं सबसे पहले हमें क्या क्या इसमें मिलता है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको साइड में रखूँ इसके कवर को, तो हमें सबसे ऊपर में रखा हुआ मिलता है एक स्मार्ट वॉच, और इसको भी रखते हैं साइड में। इसके अंदर और क्या क्या है वो देखते हैं। तो दोस्तों, ये एक स्ट्रैप दिया हुआ है एक्स्ट्रा, और एक चार्जर है यहाँ पे। ये 46 mm का कुछ गाइड है, पेपर वर्क, सेफ्टी पर्पसेस, और बेसिक इसमें वैसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो इसको भी हम रख देंगे साइड में। और चार्जर की अगर मैं आपसे बात करूं, तो चार्जर पहले एक्सपीरियंस में ही काफ़ी प्रीमियम थोड़ा लुक दे रहा है। हालांकि ये प्लास्टिक बॉडी है पूरा का पूरा, लेकिन क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। कंपनी क्लेम करती है कि 15 मिनट्स के चार्ज करने पर आप पूरे दिन का बैकअप निकाल सकते हैं अपने डिवाइस के लिए, और 75 मिनट्स में ये आपके डिवाइस को फुल चार्ज कर देगा। तो अब हम वॉच को करते हैं अनबॉक्स, और यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं अनपैक करने के दौरान, तो कुछ इस प्रकार का ये वॉच दिखता है। अगर मैं आपको इधर से दिखाऊँ तो इस साइड से भी कर्व है और इस साइड से भी ये पूरी तरह से कर्व है। यहाँ पे 2 बटन्स दिए हुए हैं, और यहाँ साइड में है स्पीकर, पीछे साइड में है सेंसर्स, यहाँ से ये चार्ज हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ इसके स्ट्रैप के क्वालिटी की, तो सीरियसली काफ़ी कुछ अच्छा लेकर के आई है ओप्पो हमारे लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा इसका ब्रांड का जो क्वालिटी है वो यहाँ पे देखने के लिए हमें मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसके ब्रांड को, तो आप एक अलग से भी इसमें ब्रांड काफ़ी इजीली मार्केट से परचेस करके लगा सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक बटन है, इसको अगर हम पुश करते हैं तो ये हमारा स्ट्रैप बाहर आ जाता है। और अगर इस साइड से भी मैं निकालूं तो कुछ इस प्रकार से ये दोनों बैंड अलग होते हैं, और आप मार्केट से परचेस करके कहीं से भी मतलब एक दूसरे कलर का भी बैंड अपने मतलब चॉइस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अब मैं वॉच की बात करूँ, तो फ़िलहाल के लिए इसको लगा देते हैं क्योंकि बिना उसके ये उतना अच्छा लग नहीं रहा है। बट लेकिन अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो काफ़ी प्रीमियम एक डिवाइस है। पीछे से भी प्लास्टिक बॉडी है, और अल्मीनियम फ्रेम पर ये पूरा का पूरा डिवाइस बनाया गया है, और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है दोस्तों। अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप इसको पहनते हैं तो आपको खुद में भी ये काफ़ी
अच्छा फील देने वाली है। और अगर मैं बात करूँ स्क्रीन की, तो और वॉच जो अभी मार्केट में अवेलेबल है उसके मुकाबले में ये स्क्रीन थोड़ी बड़ी है, 1.9 इंचेस के आसपास में इसका जो डिस्प्ले है वो है। और अब हम इसको पहले इसका जो बैंड है उसको लगा लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों बैंड हमने लगा लिया है, तो अब कुछ इस प्रकार का ये आपको दिखने जा रहा है। अब हम इसको करते हैं ऑन और देखते हैं कि ऑन होने के बाद ये किस प्रकार का दिखता है। तो सबसे पहले आपको कंपनी का अपना बैजिंग मिल जाएगा यहाँ पे। तो और थोड़ा टाइम ले रही है स्मार्ट वॉच ऑन होने में, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको कुछ बताऊं तो बहुत ही अच्छा ये एक प्रोडक्ट लेकर के आई है ओप्पो हमारे सामने में। और वेयर ओएस पर ये काम करती है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि काफ़ी अच्छी हमें कॉन्फ़िगरेशन और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है ये डिवाइस वेयर ओएस के होने के कारण ही। स्टार्टिंग में आपको लैंग्वेज इसमें सेलेक्ट करना पड़ता है। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये चाइनीज़ लैंग्वेज में यहाँ पे आपको फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पे, बट ये थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली इंग्लिश में हो जाएगा। ये डिवाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने पहले भी यूज़ की हुई है, तो ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन करके रखा हुआ है कि ये ऑटो लॉक फीचर आप इसको ऑन करके रख सकते हैं। काफ़ी मोबाइल से काफ़ी मिलता जुलता एक डिवाइस कंपनी ने यहाँ पर हमारे लिए लेके आया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब ये इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा का पूरा कॉन्फ़िगर हो गया इतने देर में। और इसमें सबसे प्यारी जो बात है वो है इसका डिस्प्ले, और दूसरा इसमें हम कोई भी वॉच फेस लगा सकते हैं। तो अगर आपको वॉच फेस लगा करके रखना है यहाँ पे, तो आपको इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना होगा यहाँ पे, और उसके बाद आप कोई भी जो वॉच फेस आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अभी हम इसको लगाते हैं यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार का ये आपको स्क्रीन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और बेसिक अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूँ, तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये पूरा का पूरा एक मोबाइल की तरह ही काम करता है। तो सबसे पहले जो फीचर्स स्मार्ट वॉच के साथ आते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें बेसिक आपको एक हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है, जो कि अगर आप टाइम सेट करते हैं तो उस रेगुलर इंटरवल पर आपका हार्ट बीट कैच करके रिकॉर्ड करेगा। और अगर आप इसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में डालना चाहते हैं, तो इस मोड में आके आपको सिर्फ यहाँ पे स्क्रीन को टच करना और ये आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग यहाँ से प्रोवाइड करेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मेरी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो दूसरा मोड है हमारा डेली एक्टिविटी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना स्टेप्स मैंने चला है, क्या वर्कआउट टाइमिंग्स हैं, कैलोरी बर्न और एक्टिव सेशंस के बारे में। उसके आगे आपको मिल जाता है स्लीप टाइमिंग, कि कितने देर आप सोए हैं, कितने देर गहरी नींद में, कितने देर हल्की नींद में सोए हैं आप, इससे रिकॉर्डेड। तो ये तो हुआ नॉर्मल स्मार्ट वॉच का जो फीचर हमारे एक नॉर्मल स्मार्ट वॉच में आता है, बट विशेष इसमें जो है, जो स्पेशल फीचर्स है उसकी अगर मैं बात करूँ, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वेयर ओएस की तरफ से आपको दिया गया है। और ये काफ़ी कुछ मोबाइल जैसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें कॉलिंग फीचर है, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके आप अपने मोबाइल के साथ इसको सिंपली फ़ोन डायल कर सकते हैं। और टच रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूँ, तो टच रिस्पॉन्स भी इसका काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे किसी भी नंबर को आप टच करेंगे, तो ऐसा आपको फील नहीं आएगा कि कोई गलत नंबर आपसे टच हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ से आप इसका जो स्पीकर की क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा डिसेंट है, ताकि आप आराम से बात कर सकें। और काफ़ी ज़्यादा मतलब हाई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लो भी आप उसको नहीं बोल सकते हैं। इसमें डेडिकेटेड एक हमारा प्ले स्टोर का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, जहाँ से कि आप अपने डिवाइस के लिए कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली उसके लिए आपको ब्लूटूथ ऑन रखना होगा और आपके डिवाइस में इंटरनेट ऑन होना चाहिए, तो ब्लूटूथ के थ्रू कैच करेगा। और वाईफाई के थ्रू भी आप इस डिवाइस को कॉन्फिगर कर सकते हैं। अगर सेटिंग ऑप्शंस में जाएँ और
आपको दिखाएं, तो इसमें ठीक है एक मोबाइल की तरह जिस तरह से सिटिंग ऑप्शन होता है उस तरह का देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आपको डिस्प्ले में मिलेगा जिसमें कि आप ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, फॉन्ट्स ऑन कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन स्क्रीन का ऑप्शन आता है इसके साथ में, और वॉच फेस आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद साउंड है, एप्स नोटिफिकेशन है, किस तरह से आप कहते हैं, जेस्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि किस तरह से आप अपने डिवाइस को कॉन्फिगर करते हैं कि किस एक्टिविटी पे आपको किस तरह का रिजल्ट वहाँ पे नोटिफिकेशन शो करेगा। कनेक्टिविटी अगर ऑप्शन की बात करें तो ब्लूटूथ एक तो ऑप्शन है यहाँ पे, वाईफाई है, एनएफसी सपोर्टेड है ये बाइक ये डिवाइस, और एयरप्लेन मोड का ऑप्शन है। लोकेशन काफ़ी अच्छे से ये डिटेक्ट करती है, इसमें इनबिल्ट जीपीएस लगा हुआ है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जनरल में अगर बात करूँ तो पर्सनलाइजेशन में आप यहाँ पे जाकर के इस ऑटो अपने डिवाइस के लिए जो सिक्योरिटी लॉक फीचर है उसको इनेबल कर सकते हैं। कीबोर्ड का जो सिस्टम है उसको देख सकते हैं, अपने डिवाइस को लिंक कर सकते हैं दूसरे किसी सॉफ्टवेयर हेल्थ फिटनेस सॉफ्टवेयर के साथ में, और ओके डिटेक्शन ये डिवाइस सपोर्ट करती है, तो आप इसको एज अ गूगल असिस्टेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टम में अगर जाकर के बात करें तो बैटरी इंडिकेटर है, डेट एंड टाइम है, रिस्टार्ट, पावर डिस्कनेक्ट। अबाउट में चेक करें तो मॉडल इसका जो यहाँ पे कंपनी ने शो कर रहा है ये है OW1908 डिवाइस, ओपो वॉच वर्जन से 2 सीरियल नंबर डिवाइस कोड, और यहाँ से आपको एक सिस्टम अपडेट करने का डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा है कि आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर या मोबाइल सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसको कनेक्ट करके अपडेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका अपडेट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं इस डिवाइस के अंदर में जो कि आपको जल्दी किसी स्मार्ट वॉच में देखने के लिए नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी बात इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो काफ़ी ऑसम है, यहाँ से आप मतलब एक मोबाइल की तरह ही आप अपने यहाँ से मैप कनेक्ट कर सकते हैं। आप किसी लोकेशन पे कहीं पर आपको जाना था, आप अपना गाइड इसका ऑन करके आप किसी भी लोकेशन पे आराम से पहुँच सकते हैं। इसमें कैलकुलेटर से लेकर के सारी फीचर्स पहले से ही कंपनी ने दी हुई है, तो अगर और कुछ बताने की ज़रूरत तो इसमें मुझे नहीं लग रही कि आपको है। दोस्तों अगर आप किसी स्मार्ट वॉच के लिए जाना चाहते हैं और आप 20,000 रुपये लगाना चाहते हैं तो आप आराम से इस डिवाइस के लिए जा सकते हैं, इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन यहाँ पर अगर मैं आपको पास से दिखाऊँ तो नोटिफिकेशन आपको कुछ इस प्रकार से इसमें देखने के लिए, और सारे एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन इस पर आता है दोस्तों, सिंपली एक व्हाट्सएप या फेसबुक या कोई और एक स्पेसिफिक नहीं है। इसमें आपको एलेक्स का भी मिल सकता है, ट्विटर का मिल सकता है, इंस्टाग्राम का मिल सकता है, यहाँ तक कि डेली हंट पर जो न्यूज़ आता है उसका भी आपको मिल सकता है। तो इस तरह से हाँ आप यहीं से टच करके इस पर आप आराम से रिप्लाई भी कर सकते हैं। एक तो क्विक रिप्लाई का ऑप्शन एक डिवाइस देती है कि आपको बिना कुछ के नॉर्मल रिप्लाई आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेंट जो क्वेश्चन आस्क किया गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे एप्लीकेशन में। और अगर आप रिप्लाई टू ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप मुँह से बोल कर यानी कि वॉइस डिटेक्शन के माध्यम से स्माइली भी भेज सकते हैं, और यहाँ तक कि सिंपली एक कीबोर्ड का इस्तेमाल करके आप मैसेज भी भेज सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे भी आपको दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं सामने आने वाली है। तो दोस्तों अगर अब बात करें तो ये इसका इंटरफेस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये सिंपली जब आप अपने लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल करेंगे डिवाइस को तो यहीं से आपको गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन मिलेगा, और आप टच करके उस पर कुछ भी पूछ सकते हैं। एक फ़ीचर जो मैंने आपको नहीं बताया जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है यहाँ पर, और वो है दोस्तों इस डिवाइस के साथ इनबिल्ट रूप से एक एप्लीकेशन दी हुई है गूगल ट्रांसलेट का, और यहाँ पर आप सिंपली डायरेक्टली लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। और किसी भी देश में है, किसी भी ऐसे आदमी के साथ है जिसकी भाषा आपको नहीं आती, तो सिंपली आप सेट करके यहाँ से वॉइस से बोल करके आप तुरंत का तुरंत उसको रिप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में किसी एप्लीकेशन को खोलने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये आप इसको यहीं से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके बारे में बता दें कैलकुलेटर है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है दोस्तों जो आप इसको डायरेक्टली इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेजर जो है वो है इसका नोटिफिकेशन पार्ट जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन कंपनी ने दिया है कॉलिंग फीचर के साथ। और ओवरऑल जो डिस्प्ले क्वालिटी है इस डिवाइस का वो काफ़ी ज़्यादा ऑसम है, तो आप इस डिवाइस के लिए जा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए।